हेलो दोस्तों, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मेजर डाउट आ रहे हैं कि हमारे एग्जाम फॉर्म कब फिल करे जाएंगे। अभी देखिए मैं आपको बता दूं, आपने फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के अभी एग्जाम दिए हैं पिछले एक महीने पहले। अब उनके एग्जामिनेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो इन जनरल जो अब तक होते आ रहा है वो एग्जाम फॉर्म और जो एडमिशन होता है बेसिकली एक ही फॉर्म भरना होता है आपको। जब आप अपना एग्जाम दे देते हैं चाहे आप किसी भी सेमेस्टर का देंगे, उसके बाद आपको एक फॉर्म भरना होता है नेक्स्ट ईयर में, चाहे आप वो एडमिशन लेने का फॉर्म कह दो चाहे आप ये कह दो कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, आप कोई भी नाम ले लो पर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। अब वो फॉर्म कब फिल होता है, इन जनरल हमेशा से आपके रिजल्ट आने के बाद ही वो फॉर्म फिल करा जाता है। अभी तो देखिए कोई फिलहाल आया है नहीं, ना ही कोई अपडेट है आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी तो अभी एक ही महीना हुआ है, अब तो रिजल्ट पता नहीं कब तक आएगा, राइट। तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में तो, पर एग्जाम फॉर्म देखिए अभी फिल नहीं हो रही है, रिजल्ट के बाद ही फिल होंगे 99%, राइट। तो आप रिजल्ट का वेट करिए, इन केस कुछ पहले होता है या बाद में होता है तो वी विल अपडेट यू ऑन आवर चैनल, सो आप स्टे कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल के साथ, राइट। अब बात करते हैं क्लासेस के बारे में, तो क्लासेस तो देखिए आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टडीज को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल जो है वो एसक्यूएल की साइड में अवेलेबल है उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, उससे अपनी स्टडी को पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा सेमेस्टर टू और फोर्थ की तैयारी करने के लिए, राइट। तो आपको अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि जुलाई एंड में तो आपके भी एग्जाम होने ही है और रिजल्ट भी जून तक आने की संभावनाएं हैं। बाकी आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन रिजल्ट की कब आएगा, तो आप बिल्कुल अपनी तरफ से प्रिपेयर रहे, एग्जामिनेशन फॉर्म जब भी आएगा आप फिलअप कर देना, ठीक है। तो ये वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, अगर कोई और क्वारी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी चैनल के साथ जरूर कनेक्टेड रहिएगा सो डेट आपको एसक्यूएल की सारी अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।